वेलकम बैक टू माय चैनल बिजू का पाठशाला। मैं नितिन आज आपको निफ्ट के एग्जामिनेशन में आप कॉन्फिडेंट किस तरीके से रहें और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करें उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको प्रॉपर अपडेट्स हमारे मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो निफ्ट में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई बोल देता है कि आपकी स्केचिंग अच्छी नहीं है, आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं है, यार तुम तो साइंस बैकग्राउंड से हो तो तुम कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, सिर्फ तुम पैसे बर्बाद करोगे, तो इन चीज़ों के बारे में आप एकदम सोचना बंद कर दें पूरी तरीके से। क्योंकि इन चीज़ों को जो बाहर से जो एलिमेंट्स आते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं कि आपको आपका निफ्ट का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं है, तुम बेफिजूल का पैसा बर्बाद करोगे, वगैरह 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 चीज़ आप एकदम भूल जाएं। अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल है कि अगर आपको निफ्ट पाना है तो निफ्ट का जुनून और पागलपंती आपके अंदर होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं एक स्टोरी के तरीके से आपको बताता हूँ, ठीक है। निफ्ट के एंट्रेंस एग्जाम को पाने का एक अलग तरीका होता है, आपको पैशन होना चाहिए आपके अंदर में। एक बार की एक बात है, दो फ्रॉग थे। दो फ्रॉग में क्या हुआ कि वो खेल रहे थे और वो खेलते खेलते एक बड़े से गड्ढे में गिर गए, ठीक है। और क्या हुआ कि पूरे जितने भी समाज थे, फ्रॉग के जितने भी समाज थे, वो वहां इकट्ठा हो गए। तो उसमें उन्होंने आके देखा कि सारे फ्रॉग, तो जो दोनों फ्रॉग थे वो गिर गए हैं और उनका बचना असंभव था वहां पे। तो फ्रॉग के जो मुखिया थे, ठीक है, जो फ्रॉग के जो हेड थे, उन्होंने कहा कि दोनों फ्रॉग को कहा कि भाई अब ऊपर से कि अब तुम बच नहीं सकते हो, तो तुम्हारी जिंदगी जितनी है इस गड्ढे में ही बिता लो और उसके बाद तुम खत्म हो जाओगे। तो पूरा समाज भी एग्री हो गया क्योंकि मुखिया जी ने बोला था। सभी समाज वाले वहां से चले गए। जब सभी समाज वाले वहां से चले गए तो क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद एक दिन क्या हुआ क्या कि एक उसी समाज और मोहल्ले में बहुत भीड़ हो रखा था, जिसमें से दो में से एक फ्रॉग वाले के घर पे। तो जब पता किया गया, मुखिया जी भी वहां पहुंचे, तो देखा गया कि एक फ्रॉग उसमें से बच के वो अपने घर पर आ चुका था। तो और बहुत लहूलुहान था, खून निकल रहे थे, बहुत परेशान थे सभी। तो मुखिया जी ने पूछा कि बेटा तुम कैसे बच गए, वहां से तो बचना असंभव था, तुम्हारा दोस्त वहां पर तो खत्म हो गया, मुझे मालूम चल रहा, तुम कैसे बच गए। तो उसकी माँ मुस्कुराते हुए मुखिया जी को बोलती है कि मेरा बेटा सुन नहीं सकता है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चीज से आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपको बाहरी बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपको बाहरी बातों पे ध्यान नहीं देना है कि लोगों ने मुझे बोल दिया है कि मैं नहीं कर सकता हूं तो मैं नहीं करूंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन चीजों पर ध्यान एकदम नहीं देना है। जिस तरीके से उस फ्रॉग को उस दिन सुनाई नहीं पड़ा था और वो परिश्रम करता रहा और वो एक दिन उस गड्ढे से बाहर आ गया और उसकी जान बच गई, तो ये आश्चर्यचकित वाली बात होती है। तो निफ्ट का एंट्रेंस एग्जाम आपको अपने तरीके से पूरी तरीके से प्रिपेयर करते रहना है, हमारे साथ बने रहना है, हमारे चीज़ों को समझिए, सो दैट कि आपका एंट्रेंस एग्जाम विद आपके कॉन्फिडेंस लेवल से आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकें। और ऑल द बेस्ट, धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।